हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड मम्मा। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कीमा, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेज कीमा बनाने के लिए मैंने बारीक कटी हुई गोभी ली है और आलू मैंने पतले और इस शेप में काट लिए हैं। ये करीबन आधा किलो गोभी है और लिए है मैंने एक कटोरा, छोटे छोटे गाजर काटे हैं मैंने और ये है मटर और एक बड़ा टमाटर और एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, इसमें अदरक ज़्यादा लगता है। और आपको गोभी काटने के बाद में, बारीक काटने के बाद में, आप इसको गर्म पानी में रखिए 10 मिनट तक के नमक डले हुए पानी में। उसके बाद आप इस छन्नी से आपको इसको पानी को अच्छे तरीके से ड्रेन आउट कर लेना है। ये देखिए सूखा होना चाहिए ये बिल्कुल। मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है और अब इसे गोल्डन ब्राउन करना है, तो कम से कम हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। पानी नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल, ये सूखा होना चाहिए। ये देखिए गोभी हमारी ब्राउन हो गई है। अब हमें इसमें से इसको इस तरीके से करते कि ताकि तेल ज़्यादा ना आए, इसमें अच्छी तरीके से दबाकर निकाल लें इसे। और फिर इसी बचे हुए तेल में हम सारी चीजें डालेंगे। इसमें हम डालेंगे लौंग, 3 लौंग, 3 इलायची छोटी वाली और ये इसे पत्थर फूल बोलते हैं, ये देखिए ऐसा होता है गरम मसाला, ये डालेंगे हम और 3 बेलीफ डालेंगे हम और 1/2 टीस्पून जीरा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन जो हमने कूट के रखा था उसका पेस्ट, अदरक इसमें ज़्यादा लगता है। 1/2 किलो है अगर आपका गोभी तो करीबन आप 2 स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे, क्योंकि इसमें ऑयली बहुत ज़्यादा है इसमें अभी भी, तो इसलिए हम इसमें और ऑयल आप नहीं डालेंगे। और फिर डालेंगे हम इसमें कटा हुआ प्याज। अब शायद हमें इसे पिंक या गोल्डन होने तक के पकाना है। हाँ, प्याज को हमें सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे। अब ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। और फिर इसके बाद हम गाजर और मटर इसमें डाल देंगे। गाजर मटर मटर को हमें ज़्यादा करना नहीं है इसे हमें। अब ये प्याज के साथ बस इसे हम 2-3 मिनट हमें इसे पकने रखना है और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं इसे 2 मिनट छोड़ देती हूँ। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो पहले सबसे पहले हम नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर आपको जितना भी चाहिए और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी 1/2 टीस्पून करीबन हल्दी और गरम मसाला 1 चम्मच। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मैजिक मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। ये मैगी का मैजिक मसाला, हाँ। टमाटर हमें ज़्यादा नहीं लगाने हैं, थोड़े टमाटर अलग से दिखते रहते हैं, अच्छे लगते हैं बच्चे। कितनी कलरफुल दिख रही है, देखिए सब्जी बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है, ऑरेंज, ग्रीन और रेड का। अब हम इसमें डालेंगे
1 1/2। वन एंड हाफ टी स्पून कसूरी मेथी थोड़ा सा मैश करके डालें। फिर इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने गोभी फ्राई करके रखी हुई है, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो बाद में ये पत्ते निकाल सकते हैं, मुंह में आते बहुत इरिटेट करते हैं। ये पत्ते भी निकाल सकते हैं। गाइस अब हम इसको ढक के लिड लगा, इसे हमें सिर्फ 2 मिनट तक ढकना है क्योंकि सारी चीजें गल चुकी हैं, तो बस सिर्फ 2 मिनट। ये हो गई है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें बारीक कटा धनिया डालेंगे इसमें, और फिर से इसमें आप ऊपर से भी डालेंगे धनिया, लेकिन ये पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हम बंद गैस बंद करके हम इसे बोल में खाली कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। गाइस तो देखिए कितनी कलरफुल और कितनी बढ़िया दिख रही है ये सब्जी। इसको प्लीज़ ट्राई करें घर पे, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि कैसी लगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।